हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरा मिनी ब्लॉग में स्वागत है। आप सब क्या कर रहे हैं? और ये देखिए, मैं जल्दी जल्दी कपड़े को फोल्ड कर रही थी क्योंकि हमें जाना था मैहर, और मैहर के साथ साथ हमें वहाँ भाभी के यहाँ भी जाना था। भाभी का बर्थडे था इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहे थे, और मनीषा दीदी मेरी तो रेडी हो रही थी इसलिए जल्दी जल्दी मैं ही पैकिंग। और ये भाभी के बर्थडे के दिन देने के लिए चॉकलेट, और ये देखिए मैं वहाँ से रेडी हो चुकी हूँ और चल भी दी हूँ। और ये देखिए मनीषा दीदी गेट बंद कर रही थी, मैं बोली गेट बंद करके आप आइए और मैं चल रही हूँ। तो ये देखिए मैं जा रही थी, मौसी घर से थोड़ा सा हींचना पड़ता था तो हम लोग हींच रहे थे, और देखिए हम लोग ऑटो में बैठ ही गए थे तो मौसी आ गई। हम लोग पैसा नहीं लिए थे तो मौसी पैसा दे रही थी, तो हम लोग पैसा लिए और चल दिए रेलवे स्टेशन के और चल दिए थे। और ये देखिए हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन भी आ चुकी है, लेकिन ये वाली ट्रेन में नहीं जाएंगे, ये दूसरी ट्रेन आएगी। और वो दूसरी भी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ भी चुके हैं और देख रहे थे कितने लोग बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं बैठे थे। और ये देखिए मैहर पहुँच गए थे तो ये लड़की रस्सी में हींच रही है, आप लोग देख सकते हैं कुछ जादू दिखा रही है। तो मैं थोड़ा ऐसा सोची कि देख लेती, तो मैं खड़ी होकर देखने लगी, फिर वहाँ से चली तो मैहर के अंदर आ गई है। देखिए कितने सारा मार्केट लगा हुआ, पहले तो इतना ज़्यादा मार्केट नहीं लगता था लेकिन अब बहुत चेंज हो चुका है। और ये देखिए हम लोग प्रसाद वगैरह सब बंधवा लिए थे मंदिर में ले जाने के लिए। और ये देखिए मैं आगे आगे चढ़ रही थी दौड़ दौड़ करके, तो मनीषा दीदी बोली कि दौड़ के मत चढ़ो थक जाओगी। फिर ये देखिए 500-600 सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए, और ये देखिए कितनी भीड़ लगी थी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगी थी। और ये देखिए भाभी यहाँ मिल गई थी हम लोग को, जिनका बर्थडे था, यानी कि जो जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी दवा ववा करने के लिए बैठी रहती है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और फिर ये देखिए देवी के मंदिर पहुंच ही गए, ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और छोटा बाबू देखो कितना क्यूट लग रहा है, और ये पीछे साइड में देखी तो और ज़्यादा भीड़ लगी थी। फिर हम लोग माता के दर्शन करके आ चुके हैं और ये जा रहे थे भाभी के रूम। और ये देखिए शाम को तो और अच्छा लग रहा था, तो हम लोग ऑटो में नहीं बैठे थे, ऐसे हींचते चले गए। और देखे तो वो लड़की अभी भी रस्सी में हींच रही है, और कितनी छोटी लड़की कैसे हींच लेती है रस्सी में। और उस लड़की का भाई वहीं पास खड़ा हुआ था। और फिर देखिए हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे थे रूम, और ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है, और यहाँ रखी थी माता जी। और ये देखिए हम लोग रूम आ चुके हैं लेकिन कोई नहीं है, भाभी तो ड्यूटी में थी और चिंटू दीदी थी तो मार्केट गई थी सामान लेने, तो हम तो फर्स्ट बार आए थे तो ये सब दिखा रही थी आप लोग को। ये किचन है और यहाँ हॉल है, और हम जा रहे थे अंदर। और ये देखिए भाभी का ये बेडरूम है, और दीदी अपना बाल समेट रही थी यानी कि बाल बांध रही थी, और मैं भी, ये देखिए मैं भी आगे आ गई। और आप लोग को मेरी मिनी ब्लॉग अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।